अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन अकेडमी। तो जी हां बिल्कुल स्टूडेंट्स, मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम तार स्टूडेंट खुश और खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब के साथ खुश और खैरियत से रहें। तो यार अलग अलग से मुझे कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक फैसला आया है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों का कहना है, तमाम तो डिग्री प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स मुझे अलग अलग से बात यही कह रहे हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं, वो उन बच्चों के कमेंट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी का जो फैसला है जो आया है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बच्चों के कमेंट क्या है, वो कमेंट ये हैं कि सर इम्तहान जो हैं वो एंड टर्म असेसमेंट लिए जाएंगे या फिर सर ऑनलाइन लिए जाएंगे या जैसे एग्जाम सेंटर के अंदर होते हैं वैसे होंगे। तो अजीज़ तलबा, इस वीडियो के अंदर आपको टोटली गाइड किया जाएगा और तफसीलन बताया जाएगा यूनिवर्सिटी का फैसला। तो खैर वीडियो का टॉपिक मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, तो वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें और चैनल ब्रेन अकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ब्रेन अकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ खड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट में कोई वीडियो, कोई लेक्चर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गेस्ट पेपर वगैरह अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम स्टूडेंट्स तक ईजिली पहुँच सके। अच्छा तो स्टूडेंट्स नंबर वन पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स अभी नहीं जानते, मैट्रिक एफए के जो स्टूडेंट्स हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उन तलबा तलबात के इम्तहान जारी हैं और उनकी रोल नंबर स्लिप आ गई है और मैंने तकरीबन एक मंथ पहले ही वीडियो अपलोड की थी इम्तहान के बारे में, फलां तारीख को फलां डेट को होने हैं। उसके मुताबिक डेट शीट आई और मैंने डेट शीट के ऊपर वीडियो अपलोड की और रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी की। और अगर अभी तक आपको नहीं पता तो यार आपके लिए ये बहुत ही अफसोस वाली खबर बनती है, तो आप अपने इम्तहान जो है जल्दी से रोल नंबर स्लिप देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करें तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा रोल नंबर स्लिप वाला, ठीक है। अब आगे बी कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं इन बच्चों की डेट शीट भी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दी है और वो ये बच्चे अपनी डेट शीट जान लें, वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी डेट शीट वाली। बाकी खैर आगे इम्तिहानात किस तरह से होने हैं, बीए बीकॉम डिग्री प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं इनके किस तरह से होने, किस टाइप से होने वो मैं आपको बता दूँ जल्दी से। तो सबसे पहले तो आपने डेट शीट वगैरह तो देख ही ली है, आपने वीडियो देख ली होगी। और अब पहले एक माइंड था यूनिवर्सिटी का कि बच्चों के इम्तिहान इस तरह से लिए जाएं, पहले आटम 2019 में यूनिवर्सिटी का ये एक माइंड बना था और इवन के कुछ अदर्स यूनिवर्सिटीज़ और एचएससी की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि तमाम तरह स्टूडेंट्स के तमाम तरह तलीमी इदारों के इम्तिहान जो हैं वो ऑनलाइन लिए जाएँ, लेकिन फंडिंग की वजह से, पैसे ना होने की वजह से क्या हुआ कि इम्तिहान ऑनलाइन नहीं हुए। बोर्ड्स के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था और मैट्रिक एफ ए के इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें भी प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है, एफ ए वाले को भी। अब बीए को भी बाद में इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया था। अब इनके पेपर अब स्प्रिंग 2020 में जो हो रहे हैं ये किस तरह से होंगे, बात यहाँ पर आती है। तो स्टूडेंट्स पहले आप ये जानते हैं कि आपके ओपन टाइप्स इम्तिहान हुए थे, ठीक है, और कंडीशंस कुछ इस तरह से जिसकी वजह से आपके इम्तिहान जो है ओपन टाइप्स बुक्स लेना पड़े। अब बच्चों के माइंड में है कि ऑनलाइन होने हैं या ओपन टाइप्स बुक्स होने हैं, तो बेटा ऑनलाइन तो आप अपने माइंड से निकाल लें क्योंकि इतनी फंडिंग नहीं है कि आपके इम्तिहान ऑनलाइन लिए जाएँ, ठीक है। और दूसरा, जो बच्चे ऑनलाइन इम्तिहान दे रहे हैं उन बच्चों के ऑनलाइन जैसे हो रहे हैं, जैसे एक काम चल रहा है, वर्क हो रहा है, उधर बच्चों का ऑनलाइन ही होना है। बाकी दीगर क्लासेज जो बचती हैं वो एक तो अपने माइंड में बिठा लें। अब उन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, क्या अब हमारे एंड टर्म असेसमेंट होंगे? तो आप भी यार ये मेरी बात समझें, अभी वबा के जो केसेस ऐसे ऊपर जा रहे थे तो अभी ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से मतलब कि वबा के केसेस कम हो रहे हैं, अल्लाह ताला का बड़ा आसान है और लाख लाख शुक्र है। और अभी जो आपके एंड टर्म असेसमेंट जो एग्ज़ाम थे ओपन टाइप्स एग्ज़ाम वो अब नहीं होंगे, जैसे मैनुअली आपके इम्तिहान हो रहे हैं तो अनाउंसमेंट के अंदर यही है कि आपके इम्तिहान वैसे पहले की तरह लिए जाएंगे जैसे प्रीवियस आपके इम्तिहान हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी बात जो है समझ चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप कोई पॉइंट आपके माइंड में कोई हो, कोई बात पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन उन बहनों भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो नहीं जानते और कमेंट कर रहे हैं और परेशान हैं, ठीक है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।